नमस्कार दोस्तों, क्या मैं भर्गव पटेल हाईटेक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, दुख बहुत होता है जब आपकी चैनल टर्मिनेट हो जाती है और फिर आप यूट्यूब पर रिक्वेस्ट सेंड करते हो और फिर यूट्यूब जो है रिप्लाई नहीं देता है। दोस्तों, बहुत बड़ी दुख की बात है कि यूट्यूब एक तरह से देखा जाए तो यूट्यूब वर्ल्ड वाइडली बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है। दोस्तों, आप देखें कि प्यूडीफाई है और ऐसे कई यूट्यूबर्स है जो बहुत बड़े है, उनके 2-2, 3-3 लाख सब्सक्राइबर डिक्रीज हो गए। मतलब कि क्या है व्यू, सपोज कर लो कि कोई एक वीडियो है उसके ऊपर 20 लाख व्यू है सपोज कर लो, और यूट्यूब जो है उस वीडियो के ऊपर जो व्यूज है उसको डिक्रीज कर देता है। मतलब कि कल उठकर आप देखोगे तो आपके वीडियोस के ऊपर 15 लाख ही बचेगा, तो 5 लाख व्यूज का हिसाब किताब क्या? दोस्तों, 5 लाख व्यू यूट्यूब ने ले लिए या फिर क्या कर दिया पता ही नहीं है। और सब्सक्राइबर की बात करें तो आपके पास बहुत अच्छे खासे सब्सक्राइबर है तो कल उठकर आप देखेंगे तो थोड़े सब्सक्राइबर कम हो गए होंगे। दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है आजकल? तो आपने देखा होगा कि आजकल जो है मार्केट में कुछ ऐसे लोग जो है वो आपको ईमेल करते हैं या फिर कमेंट करते हैं, बताते हैं कि आप हमारी चैनल, आपको आपकी चैनल का कुछ देना होगा लिंक वगैरह कुछ, और फिर आप ईमेल कीजिए तो हम आपको एज अ डेमो 1000 व्यू देंगे। आप स्काइप के जरिए हमारे साथ कॉन्टेक्ट करते हो तो हम आपको एज अ डेमो 2000 व्यूज देंगे। फिर आपको हमारा प्लान, कुछ प्लान भी होते हैं उन लोगों के, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनियम ऐसे प्लान भी होते हैं, आप हमारे प्लान लेते हो तो आपको हम सब्सक्राइबर देंगे, लाइक्स देंगे, ये देंगे वो देंगे। दोस्तों, आजकल बहुत ये सब मतलब उभर उभर के आ रहा है, तो यूट्यूब ने क्या है कि कस के इनके सामने कुछ करने का सोच लिया है। तो वर्ल्ड वाइडली देखा जाए दोस्तों तो यूट्यूब जो है आजकल कर क्या रहा है कि जो फेक व्यूज है ऐसे खरीदे हुए परचेस किए हुए, तो पहले से ही बोल रहा हूँ कि आप ऐसा कुछ मत कीजिए। आप ऐसा भी मत बोलिए कि सब्सक्राइब मुझे कर दो, मैं आपको सब्सक्राइब कर दूंगा। सब कुछ यूट्यूब प्रोग्राम में चल रहा है, वो आपको डिक्रीज ही कर देगा, आप फिर आकर एक नीचे ही आ जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसा जो यूट्यूब का प्रोग्राम है वो सब कुछ एनालिसिस कर रहा है कि व्यूज किसके पास फेक ज्यादा है, सब्सक्राइबर फेक ज्यादा किसके पास है, उसके सब सब्सक्राइबर व्यूज सब डिक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे वो डिलीट कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों, आजकल चैनल जो है बहुत टर्मिनेट हो जाती है। दोस्तों, एज हम इंडिया में बात करें तो बहुत सारी जो यूट्यूबर्स है उसकी चैनल टर्मिनेट हो चुकी है, और बार बार एक बार दो बार तीन बार चैनल बनाते हैं फिर भी उसकी चैनल जो है डिलीट हो जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? दोस्तों, पहली बात तो एक फॉरेनियर वर्सेस इंडियन, फॉरेनियर की कोई भी चैनल डिलीट हो जाती है तो बंदे में हिम्मत नहीं रहती कि दूसरी चैनल बनाए, और हमको देख लो यार, एक चैनल टर्मिनेट कर दी यूट्यूब ने तो अगले घंटे में तो एक ईमेल आईडी बन जाएगा, एक यूट्यूब चैनल बन जाएगी, और उसके बाद एडसेंस के साथ, नए एडसेंस के साथ लिंक भी हो जाएगा। इतना तो हम पावर रखते हैं दोस्तों, 2-3 चैनल तक तो हम सोचते भी नहीं है तो बना डालते हैं, और यह सब स्पैम हो जाता है दोस्तों। और YouTube प्रोग्राम जो है आजकल बहुत ही इम्प्रूव हो गया है, और आपकी चैनल पर वो ध्यान रखकर ही बैठा है। आपको लगता है कि मैं छोटा यूट्यूबर हूँ, मुझे कुछ मेरी चैनल पर कुछ नजर नहीं है, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं दोस्तों। YouTube का प्रोग्राम ऐसा डेवलप हुआ है कि आपकी चैनल के ऊपर, आपके कंटेंट के ऊपर, आपके डिस्क्रिप्शन, टाइटल, टेक्स्ट, कुछ भी आप डालते हैं उसके ऊपर उसकी नजर रहती है। दोस्तों, टाइटल में स्पैमिंग मत करो, जो थंबनेल होता है उसमें स्पैमिंग मत करो। दोस्तों, कीवर्ड्स में भी स्पैमिंग करते हैं लोग, मतलब कि वीडियो का कंटेंट कुछ अलग होता है, किसी और का टाइटल या टेक्स्ट डाल देते हैं तो सोचते हैं कि बहुत सारे व्यूज आएंगे। अरे यार, पैसों के पीछे मत भागो, व्यूज के पीछे मत भागो, पहले अपना कंटेंट जो है उसके रिलेटेड ही डालो, कुछ अच्छा डालो, तब जाकर पब्लिक आपके वीडियो देखेगी। आप तो नाम कमाने के लिए किसी और का नाम यूज करते हैं टाइटल में, टेक्स्ट में, जो देखने वाला बंदा होता है, व्यूवर्स होते हैं आपके, उसको पता नहीं चलता कि आपने क्या टाइटल रखा है। मतलब यूट्यूब को तो पता ही है कि आपने टाइटल क्या रखा है, फिर उसको जो ऑडियो का एल्गोरिथम होता है, बहुत सारे एल्गोरिथम से वहां पर प्रोग्राम में डेवलप हुए, ऑडियो का एल्गोरिथम होता है, आपके जो वीडियो कंटेंट होता है उसके साथ जो आपके टेक्स्ट रिलेट जो रिलेशनशिप नहीं बनता है, तब क्या होता है कि आपका वीडियो स्पैम हो जाता है, या फिर आपका वीडियो ऐसे ही आपने बना दिया है और किसी और ने, किसी 4-5 बंदे ने आपके वीडियो के ऊपर फ्लैग कर दिया, तब भी आपकी चैनल जो है यूट्यूब सस्पेंड कर सकता है। और आजकल हो क्या गया है कि जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम 2-4 चैनल बनाने होती है तो सोचते भी नहीं है, बना ही डालते हैं, 1-2 घंटे में तो नया एडसेंस, नया चैनल बन जाता है। तो ऐसे बार बार हो रहा है,
और हम जो है YouTube को फिर टर्मिनेट हो जाता है तो फिर YouTube को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और बोलते हैं कि भाई ऐसा हो गया, मैंने तो ये नहीं किया वो नहीं किया। तो YouTube को सब पता है भाई, YouTube को सब कुछ पता है और आपको रिप्लाई ही नहीं देंगे। वो क्या करेंगे कि आपका ईमेल आईडी आप जो भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसको स्पैम बॉक्स में डाल देंगे। आप जितने भी मेल करोगे आपको कुछ होने वाला हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि आप भी सोच लो कि आपने क्या गलत किया है, ठीक है, आपके कंटेंट में क्या गलत किया है दोस्तों, फिर वो आपके स्पैम में डाल देते हैं, मतलब कि आपको या फिर ऑटो रिप्लाई मिलेगा लेकिन रिप्लाई तो नहीं ही मिलेगा। आप जेन्यून है, कंटेंट अच्छा है और गलती से YouTube का प्रोग्राम जो गलती से आपकी चैनल टर्मिनेट हो जाता है, तब जाकर आपका केस जो है क्लियर होता है, फिर से रीइंस्टेट होता है, आपकी चैनल रिएक्टिव हो जाता है। लेकिन दोस्तों मेजोरिटी जो है वो यही है कि हम लोग क्या करते हैं कि पैसों के पीछे भागते हैं, व्यूज के पीछे भागते हैं। भाई ऐसे चैनल ग्रो नहीं होता है। आपको सिर्फ एक गोल रखना है कि मुझे काम करना है तो काम करना है, लेकिन दोस्तों आप पीछे पैसों के पीछे मत भागिए, ये सब स्पैमिंग मत कीजिए। वीडियो कोई और है, थंबनेल कुछ और है, टाइटल कुछ और है, फिर टेक्स्ट कुछ और है, बहुत सारे दोस्तों आप मुझे रीजंस पूछते रहते हैं कि मेरे चैनल में ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। एक तो बंदा था मुझे बोलता था कि मैंने किसी और की वीडियो ऐसे एडिट की है, ऐसे एडिट की है, ऐसे एडिट की है कि यूट्यूब को पता ही नहीं चलता, और ऐसी तो मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड कर दी और फिर भी मुझे कॉपीराइट नहीं मिला। अब दोस्तों फिर जाकर मुझे बोलता है कि अब मेरी चैनल टर्मिनेट हो गई। अरे तो होगा ही ना, क्योंकि आप तूने कॉपीराइट कंटेंट जो डाला हुआ था। तो आप ऐसा मत करो, आजकल YouTube बहुत स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, तो आपको YouTube पर काम करना है ना, तो बहुत ही आप ऑनेस्ट हो जाओ और आपको जो है कंटेंट पर ही ध्यान दो, मतलब कि कोई स्पैमिंग ना करो। YouTube का प्लेटफॉर्म जो है उसको क्लीन करो, यानी कि आपकी चैनल जो है वो क्लीन होनी चाहिए। YouTube को ऐसा ना लगे कि भाई ये कुछ जो है फैला रहा है, कुछ गलत है, या फिर कोई आपके वीडियो को फ्लैग कर दे। तो ये मुझे आपको बताना था कि आजकल बहुत सारे चैनल्स है टर्मिनेट हो रही है और आगे भी होने जा रही है। तो आपको बता दूं कि आपने ऑलरेडी अभी कुछ रखा है ऐसा कंटेंट है, तो मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ या फिर सजेस्ट करता हूँ कि वो कंटेंट को हटा दो, रिमूव कर दो, और जो भी करना है ना खुद के दम पे करो। जो भी वीडियो बनाना है अपना खुद का वीडियो बनाओ, या फिर कोई भी ट्यूटोरियल बनाओ, जो भी बनाओ लेकिन खुद का बनाओ, किसी और की कॉपी मत करो, ना ही स्पैमिंग करो। यार कितना टाइम लगता है, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल लगता है, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2.5 साल लगता है, कितना लगता है। आप सक्सेस के पीछे भागोगे तो आपको टाइम तो देना ही होगा। आपको ऐसा नहीं है कि आज रात को वीडियो बनाई और कल जाकर वो वायरल हो गया। वो तो कोई एक बंदा होता है, रेयर केस होता है उसकी वीडियो वायरल होती है। दोस्तों हमको तो हार्डवर्क करना है और हार्डवर्क पर ही आप जो नजर रखोगे और हार्डवर्क पर ही फोकस करोगे तो आप कभी भी पीछे नहीं हटने वाले, आप आगे ही जाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आप मेरे जैसे बताया कि आपको कंटेंट पर ध्यान रखना है, स्पैमिंग नहीं करना है, क्योंकि आजकल बहुत सारे चैनल टर्मिनेट हो जाती है और फिर मुझे कमेंट आती है कि भाई मेरा चैनल टर्मिनेट हो गया। मुझे भी दुख होता है कि यार मैं हेल्प करना चाहता हूँ आप लोगों की, लेकिन क्या करूँ, यूट्यूब ही रिप्लाई नहीं देता है। तो दोस्तों बस यही था आपको आज बताने के लिए। तो दोस्तों अब जरा नजर डाल देते हैं कि सब्सक्राइबर वाकई में डिक्रीज हो रहे हैं, व्यूज डिक्रीज हो रहे हैं। मैं आपको प्रूफ के साथ बता देता हूँ, चले बड़े बड़े यूट्यूबर्स है उसका प्रूफ के साथ मैं आपको बता देता हूँ। आप दोस्तों यहाँ पर लिख कर भी सर्च कर सकते हैं YouTube अनसब ग्लिच, ऐसा लिख कर भी आप देख सकते हैं कि ये सब छोटे छोटे यूट्यूबर से हमारे जैसे तो नहीं, लेकिन दोस्तों 1 लाख या फिर 50,000 या फिर 2 लाख के आसपास सब्सक्राइबर है, लेकिन यहाँ पर आप देखो कि 100 या 200 या फिर 1000 सब्सक्राइबर कम हो चुके हैं। दोस्तों पता नहीं, ये वीडियो भी आप देख सकते हैं कि अभी अभी ही अपलोड हुआ है, मतलब कि पिछले 2 या 3 दिन में ही ये अपलोड हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये वीडियोस के ऊपर भी ये सब सब्सक्राइबर अनसब्सक्राइब कर रहे हैं ऑटोमेटिकली। उसके बाद दोस्तों ये यूट्यूब आप देखें कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं यूट्यूब के ऊपर, उसके तो 3-3, 4-4 लाख सब्सक्राइबर जो है कम हो चुके हैं। वीडियो की डेट भी आप देख लीजिए, अभी अभी 2 दिन या 3 दिन पहले ही वीडियो अपलोड हुआ है आप, और आप देख सकते हैं कि YouTube फिक्स से बग है, जैसे कि मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बताया क्या है, लेकिन YouTube जो है सफाया कर रहा है स्पैमिंग का और प्लेटफॉर्म जो है क्लियर कर रहा है। आप देख सकते हैं कि कितने जल्दी से ही सब्सक्राइबर को अनसब्सक्राइब किया जा रहा है।
लास्ट में एक नजर डाल देते हैं सोशल ब्लेड पर। दोस्तों प्यूडीपाई आप सब जानते हैं उसके पास बहुत सारे सब्सक्राइबर है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसके सब्सक्राइबर भी कम हो चुके हैं, मतलब कि डिक्रीज हो चुके हैं। हमको भी नहीं पता क्यों ये हुआ, लेकिन यूट्यूब का दो ही टारगेट है, या फिर बग या फिर ये सफाया करो, कुछ भी फेक है उसको सफाया करो और प्लेटफॉर्म को क्लीन कर दो। तो दोस्तों आपकी हालत भी ऐसी ना हो, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप बचे रहे। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए दोस्तों, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहां पर मैं इसी तरीके से नए नए वीडियोस लाता रहता हूं। और तब तक के लिए आओ जो